मुझे तो ये देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर करने का एक रोड मैप दिखता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी है सरकार ने, लेकिन जो उसको चलाने वाले हैं व्यापारी, ज़्यादा उनका योगदान होता है, उनका टैक्स होता है, वो कहीं ना कहीं उससे नाखुश नज़र आ रहे हैं। जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम की बात हो, सेस लगाया गया है, और दूसरा सोने की बात हो, उस पर 2.5% बढ़ा दिया गया है। गोल्ड एक प्रेशियस चीज़ है, गोल्ड एक प्रेशियस चीज़ है, और दैट डजेंट इफेक्ट मतलब इसकी आम जन को आप कह सकते हैं उससे बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस पर कस्टम्स को बढ़ाया है इन्होंने, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, और 2.5% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। नेचुरली जब आप एक डेवलपमेंट की तरफ चारों तरफ देखते हैं, जैसा बजट में गरीब के लिए भी, किसान के लिए भी, और व्यापारियों के लिए भी तमाम योजनाएं उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं से तो आप उसकी बजट का मतलब यही हुआ ना कहीं से आप उसको अरेंज करोगे। तो बजट तो ये तो नहीं हुआ कि हम खाली छूट देते जाएं और कहीं पर हम उसको अरेंज ना करें, कहीं से हमको मनी भी तो निकालनी है, पैसा भी तो लाना है, तो बजट कैसे बनेगा? अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो कहीं नहीं आपको नहीं, लगता एक कि आम पर आदमी एक पे दबाव एक आएगा? एक रुपए सेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई दबाव नहीं आएगा। अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम अब मार्केट रेट पे चल रहे हैं, डेली उसका अमेंडमेंट होता है, और 1 रुपया सेस अगर लगा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारी ये बहुत पुरानी मांग है कि इसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, और जिस दिन गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में ले आएगी, नेचुरली इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। व्यापारियों की काफ़ी जब से मांग थी कॉरपोरेट टैक्स को लेकर, उनका कहना था कि उसको बढ़ाया जाए और स्लैब किसी को बढ़ा टैक्स स्लैब कटौती बढ़ाया नहीं है, किया ढाई जाए। सौ करोड़ से उठा के 400 करोड़ कर दिया जी 25% वाले को, और धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो कमी सामने सामने विजिबल है कि एक तरफ तो आप टैक्स की रेट को हल्का सा आपने सेस लगा करके बढ़ाया है, 3 से 7% सेस लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंसेंटिव से वो ख़त्म करते जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर कहीं पर इम्बेलेंस दिखता है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में क्योंकि कंट्री हमारा डेवलपिंग है और तमाम चीज़ें हैं जो करना खा, जवान, किसान, व्यापारी, शिक्षा, चिकित्सा, सभी चीज़ों पे, जैसा कि एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर में जीडीपी का कम से कम 3.5% शिक्षा में लगना चाहिए, वहाँ से अभी हम बहुत पीछे हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रयास है कि अपने गोल के अचीव करने का, इट विल टेक टाइम। सरकार का गोल है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को करेगी, लेकिन जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह का वो सुविधाएं देगी, क्या आपको लगता है कि उनका जो लक्ष्य है वो उतना कासल नहीं, है इस पिछले समय? पिछले 5 साल में 1.3 से 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक पे आए हैं गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं इन्हीं तरीकों से आई है, और कहीं पर हमारे लोगों का भी योगदान है जो हमने बिजनेस को बूस्ट किया। तो नेचुरली उसका रोड मैप अगर सरकार नहीं बनाएगी और इस तरीके के रिफॉर्म्स नहीं लाएगी, और रिफॉर्म्स में देखिए कुछ चीज़ें बहुत ही कैचिंग हैं, जैसे उन्होंने टैक्सेशन को जो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी का आता है, जीएसटी के जो डिस्प्यूटेड टैक्स हैं, तो उसके लिए एक इशारा इन्होंने आज किया है कि उसका एक आयोग मतलब एक सेटलमेंट करने के लिए एक बॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो सेटल हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने करने की कोशिश करी है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कर में छूट, मकान में कर में छूट, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आम आदमी या मध्यम वर्ग को आप कह सकते हैं, जो इस देश की मैं मानता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि तो मेजॉरिटी यही है, कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करेंगी। और वो अच्छा, जो आप 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ पे 2% TDS, और दूसरी तरफ भीम ऐप और डिफरेंट ऐप्स पे और कार्ड्स पे उन्होंने हटा दिया है, बिल्कुल निशुल्क कर दिया कि आपको इस पे कोई शुल्क नहीं लगेगा। और नेचुरली अगर एक कारोबार कर रहा है तो वो 1 करोड़ रुपए क्यों निकालेगा कैश? आप बताइए, नौकर को तनख्वाह देनी है तो हमें चेक से देनी है, जिसका माल आया तो उसका चेक या RTGS करना है। 1 करोड़ रुपए नकद निकालने का मतलब भी ज़रा अजीब सा होता है। ये कहीं ना कहीं के जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का एक तरीका है। सरकार ने बात करी है 3 करोड़ खुदरा व्यापारी जो छोटे हैं उनको पेंशन योजना की बात की है, व्यापारी भी काफ़ी ज़्यादा मांग उस तरह की पेंशन ही करते हैं, तो कैसा फैसला है? नहीं, ये देखिए मैं इस बात को बहुत ही अच्छा
अच्छा मानता हूँ और साफ़ तौर पे कहता हूँ कि लखनऊ व्यापार मंडल ही था जिसने राजनाथ जी का इलेक्शन से पहले अधिवेशन करके और उसमें ये मांग रखी थी। पिछले 40 सालों से हमारे पूर्व के जो नेता हैं वो ये पेंशन की मांग उठाते रहे, और 4 तारीख को हमारा कार्यक्रम कन्वेंशन सेंटर में था और 9 तारीख को इन्होंने संकल्प पत्र में अपने वो चीज़ें इंक्लूड करी, पेंशन योजना और दुर्घटना बीमा जो कि खाली यूपी में था, 10 लाख का जीएसटी के सारे ट्रेडर्स को ऑल ओवर इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अभी तक जो व्यापारी कहीं पर भी वोट बैंक कंसीडर नहीं किया जाता था, तो उन्होंने कहीं देखा कि ये रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की और इसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो आज शुरुआत हुई है, आगे हमारा प्रयास ये है कि हर व्यापारी को पेंशन मिले, खाली 1.5 करोड़ के नीचे नहीं, हर व्यापारी को मिले। 78 महिला सांसद चुन के आएंगे, व्यापारी महिलाओं के लिए क्या सुविधा सरकार क्या मांगे आपकी, क्या और किस तरह सुविधाएं देनी चाहिए? नहीं देखिए, मैं इस विषय को इस तरह नहीं लेता। व्यापार करने के लिए जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या पर्सनल्स हैं जो भी काम करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और इस देश में बराबरी का दर्जा है, तो ट्रेडिंग फील्ड में तो आप जैसे अभी ISI बैंक में मिसेस कोचर रह चुकी हैं थोड़े दिन पहले, तो इस तरीके की बड़ी सक्सेसफुल महिलाएं हुई हैं। तो इसमें बिजनेस एक फेयर कंपटीशन है, इसमें महिला पुरुष सरकार उनको बढ़ाने के लिए स्टैंड अप योजना लेके आई थी असिस्ट करने के लिए। नहीं, वो तो डिफरेंट योजना डिफरेंट उस पर चली रही है। ऐसा आपने ट्रेडर्स के बारे में पूछा कि ट्रेडर महिला हो तो सरकार क्या करेगी, तो इस तरीके से तो फिर ये वही हो जाएगा कि वो OBC के लिए क्या है और SC ST के लिए क्या है, फिर सवर्ण के लिए 10% है। तो ये बिजनेस है, ये कॉरपोरेट और ये बिजनेस, ये अलग इसका सेक्टर है, यहाँ फेयर कंपटीशन है ना, यहाँ SC ST है ना, यहाँ अल्पसंख्यक है ना महिला है ना मतलब बहुसंख्यक, यहाँ जो बिजनेस कर रहा है वो कर रहा है और वो पूरा पूरा देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है। तो ये बजट आपको ऑल ओवर कैसा लगा? ऑल ओवर एक फेयर ट्रायल है आगे जाने का, देश को लीड करने का, लीड करने का। अब कितना सक्सेस होता है, विजन उनका, आज जो उन्होंने 2 घंटे बोला, लगभग 1.5-2 घंटे पहले वो ए पार्ट पे बोलती रही, तो ए पार्ट में जो उन्होंने बोला वो रोड मैप था, वो बजट के बारे में अपना विजन था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और बाद में जो बी पार्ट है बहुत शॉर्ट में था आपने देखा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इंटरिम बजट में ये घोषणा कर चुके थे, तो एज एक्सपेक्टेड कि अगर दूसरी गवर्नमेंट आती कोई तो वो उसमें कुछ काट छांट करती, इनकी गवर्नमेंट आई है तो ये उसी को आगे बढ़ाएंगे, ये तो एक्सपेक्टेड था। इस बजट में बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था भी नहीं एज सच, क्योंकि ये इंटरिम बजट में काफ़ी कुछ चीज़ें घोषणा कर चुके थे, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना था और ऑलरेडी उन्होंने करने की घोषणा करी, तो ये बहुत खास चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ सेक्टर्स में सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी, आज नहीं तो कल, और उस तरफ क्या काम करती है, लेट्स सी, लेट द टाइम कम। आप